हेलो दोस्तों, रेवास गैलरी में आपका स्वागत है। लाला लाजपत राय का जीवन परिचय। लाला लाजपत राय भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रवादी नेता थे। इन्हें पंजाब का शेर यानी पंजाब केसरी भी कहा जाता है। ऐसा मानना है कि उनकी गर्जना सुन करके अंग्रेज सरकार कांप उठती थी। लाला लाजपत राय का जन्म मोगा पंजाब में 28 जनवरी 1865 को एक जैन परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राधा कृष्ण अग्रवाल और माता का नाम गुलाब देवी था। उन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता थे। बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल के साथ इस त्रिमूर्ति को लाल, बाल और पाल के नाम से जाना जाता है। इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर आर्य समाज को पंजाब में लोकप्रिय बनाया और दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों का प्रसार किया, जिसे लोग आज डीएवी स्कूल्स व कॉलेज के नाम से जानते हैं। इन्होंने देश में पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की थी। लाला लाजपत राय एक सशक्त वक्ता और लेखक भी थे। उन्होंने पूरे देश विशेषतः पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार किया एवं देश में हिंदी लागू करने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया। सन 1928 में उन्होंने साइमन वापस जाओ का नारा दिया और 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरुद्ध विशाल शांति प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान हुए लाठीचार्ज में वे बुरी तरह से घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को देश ने अपना महान सपूत खो दिया। उनकी मृत्यु ने अंग्रेजों के खिलाफ जन आक्रोश को और बल दिया। वह देश और समाज के प्रति समर्पित एक बहादुर व्यक्ति थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान कर दिया। उनका अदम्य साहस और आत्म बलिदान आज के हर युवा के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। 156वीं वर्षगांठ पर लाला लाजपत राय को हमारा सादर नमन।